माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक। दिस इज मी सुखप्रीत। और इस वीडियो में हम देखेंगे पतले बालों में इंस्टेंट वॉल्यूम के लिए हेयर एक्सटेंशन कैसे टक इन करें। Amazon हेयर एक्सटेंशन हॉल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इन नकली बालों को अपने बालों में आप कैसे लगा सकते हैं ताकि एकदम नेचुरल लुक आए आपके बालों में भी। सो हेयर एक्सटेंशन को लगाने का तरीका भी बताऊंगी, किस तरह से इनको टक इन करना है, इनके साथ हेयर स्टाइल भी बताऊंगी और हेयर एक्सटेंशन का हॉल भी होगा। सो ये सारे मैंने Amazon से पिक करे हैं और इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इनके इंडिविजुअल लिंक्स को चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो Amazon के ऊपर वार्डरोब रिफ्रेश सेल भी शुरू हो रही है 18 दिसंबर से, जिसमें 50-80% तक का ऑफ है ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ फैशन एंड ब्यूटी कैटेगरी। सो डू चेक आउट Amazon। इसके साथ साथ प्राइम मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस अवेलेबल है 17 दिसंबर से ही। सो लिंक्स है इन प्रोडक्ट्स के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो Amazon को जरूर चेक आउट कर लीजिएगा फॉर अमेजिंग डील्स एंड डिस्काउंट्स। तो चलिए आज का ये Amazon हेयर एक्सटेंशन हॉल वीडियो शुरू करते हैं। पतले बालों में इंस्टेंट वॉल्यूम के लिए हेयर एक्सटेंशन कैसे टक इन करें, हेयर एक्सटेंशंस के साथ हेयर स्टाइल कैसे बनाएं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला हेयर एक्सटेंशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो है ये हेयर बन जूड़ा हेयर फ्रिल हेयर एक्सटेंशन। नाउ ये काफ़ी मल्टीपर्पस वाला हेयर एक्सटेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरह का फ्रिल है, ओपन एंडेड है ये, तो इसके साथ अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइल्स बना सकते हो। पतले बालों में इंस्टेंट वॉल्यूम का जूड़ा बन हेयर स्टाइल बना सकते हो। अगर आपको बिल्कुल हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता ना, इसको बालों में बस आप रोल करके लगा लो, ऐसा लगेगा कि पार्लर से आपने ना अपना जूड़ा बन बनवाया हुआ है। और इसके साथ आप छोटी वाला हेयर स्टाइल भी बना सकते हो। सो यहाँ पे मैं एक हेयर स्टाइल बना के आपको साथ में दिखा रही हूँ। इस हेयर एक्सटेंशन के साथ आप एक इजी सिंपल सा जूड़ा बन हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हैं पार्टी फंक्शंस में। सो दिस इज अ फर्स्ट हेयर एक्सटेंशन। नाउ इस हेयर एक्सटेंशन में Amazon के ऊपर आपको कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ये वाला है डार्क ब्राउन शेड, आपको डार्क ब्लैक में भी अवेलेबल मिल जाएगा। प्लस आपको इसका जो लेंथ है वो भी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें आपको हाईलाइट वाले हेयर फ्रिल हेयर एक्सटेंशन भी मिल जाएंगे, जिसमें यू नो लाइट कलर का हाईलाइट किया होगा। तो अगर आपके बालों में ऑलरेडी कलर है तो आप अपने हेयर कलर के हिसाब से ये वाला फ्रिल हेयर एक्सटेंशन पिक कर सकते हो। तो दिस इज द सेकेंड हेयर एक्सटेंशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाउ दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड एलीज। ये 17 इंचेस लॉन्ग क्लच पोनीटेल हेयर एक्सटेंशन, ये वाला जो है ये क्लचर वाला हेयर एक्सटेंशन है। तो इसमें आपको बैक साइड के ऊपर क्लचर मिल जाता है, जिसके साथ बस आपको एक सिंपल जूड़ा करके भी इसको बालों में टक इन कर सकते हो। दिस वन इज़ वेरी इजी टू डू। उसके बाद साइड से चाहो तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए पिन्स ऐड ऑन कर सकते हो ताकि अपनी जगह पे टिका रहे। ना ये वाला जो हेयर एक्सटेंशन है ये मैंने हाईलाइटेड हेयर वाला हेयर एक्सटेंशन पिक कर, लेकिन इसमें आपको प्लेन ब्राउन जैसे डार्क ब्राउन या ब्लैक शेड में भी कलर्स जो हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगे। और भी ज़्यादा अगर आपको लेंथ लंबी चाहिए तो डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल है। तो ये वाला है 17 इंचेस। सो यहाँ पे मैं इसके साथ एक और हेयर स्टाइल भी इंसर्ट कर दूंगी। ये वाली हेयर एक्सटेंशन बालों में टक इन करके आप किस तरह का हेयर स्टाइल बना सकते हो, जस्ट सिंपल यू नो पोनी बांध के भी उसके ऊपर आप इसको बस क्लचर को आपको पोनी के ऊपर टक इन कर देना है और आपका हेयर स्टाइल हो गया रेडी, पार्टी रेडी। आपका हेयर स्टाइल जो है वो बन जाएगा विद इन 1 मिनट। नेक्स्ट हेयर एक्सटेंशन इज अ पोनीटेल हेयर एक्सटेंशन। नाउ पोनीटेल हेयर एक्सटेंशन को भी बालों में टक इन करना बहुत आसान है। आप एक सिंपल जैसे रेगुलर पोनी बनाते हैं वो पोनी बनाएं और जहाँ पे रबर है उस एरिया के ऊपर इस पोनीटेल हेयर एक्सटेंशन में ना इस तरह का पिन आता है। पिन में पिन को रबर वाली जगह पे इंसर्ट करके ये जो साटन रिबन दिया गया है इसको बस पोनी के अराउंड आपको टाई कर देना होता है, समथिंग लाइक दिस। और ये आपके बालों के ऊपर इजीली सिक्योर हो जाती है और इंस्टेंटली आपके अगर पतले या थिन बाल हैं या पोनीटेल बहुत ही पतली बनती है तो उसमें इंस्टेंट वॉल्यूम आ जाता है एंड आपका पोनीटेल वाला हेयर स्टाइल ईजिली रेडी हो जाता है। इस पोनीटेल हेयर एक्सटेंशन के साथ एक्चुअली मैं एक ऑलरेडी वीडियो भी बना चुकी हूँ पोनीटेल हेयर एक्सटेंशन के साथ अलग अलग हेयर स्टाइल बनाने के तरीके, आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको मल्टीपल हेयर स्टाइल आइडियाज जानने हैं इस स्पेसिफिक हेयर एक्सटेंशन के साथ। नेक्स्ट है ये सिंपल परांदी वाला हेयर एक्सटेंशन। तो ये इस तरह का छोटी परांदी वाला हेयर एक्सटेंशन है जिसमें आपको 3 हेयर के डिफरेंट स्ट्रैंड्स मिल जाते हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लंबी चोटी वाला हेयर स्टाइल बनाना है और आपके बाल बहुत ही पतले थिन हैं और बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है, तो वहाँ पे जहाँ से आप चोटी करना स्टार्ट कर रहे हो उसी पॉइंट से इस हेयर एक्सटेंशन को बालों में टक इन करते हुए जिससे सिंपल चोटी बनाते हैं बस वैसे ही चोटी बनाते जाना है और आपका जो है एक लंबा लॉन्ग चोटी वाला हेयर स्टाइल जो है वो रेडी हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी ईजी टू टक इन, ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके पतले बालों में इंस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको एवरी डे में रोज़ाना में भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट जब आप अपना चोटी बना रहे हैं आपको इस ये जो हेयर एक्सटेंशन है इसको नीचे की तरफ से प्लेस करना है ताकि ये वाले जो इसके जॉइंट पॉइंट्स हैं
ये विजिबल ना हो और ऐसा लगे कि आपने अपने नेचुरल बालों के साथ ही चोटी बनाई है। नेक्स्ट है ये कर्ली हेयर वाला हेयर एक्सटेंशन, जो आप ओपन हेयर हेयर स्टाइल बनाने के लिए यूज कर सकते हो किसी शादी फंक्शन में। यू नो इट्स वेरी इजी, जस्ट आपको हेयर का एक पार्टीशन सेपरेट करके इस हेयर एक्सटेंशन को बालों में टक इन कर देना है। इसमें इस तरह के क्लिप ऑन्स हैं, इनको ओपन करना है, बालों में इस तरह से आपको प्लेस करना है एंड देन क्लिप्स को क्लोज कर देना है, तो ये बालों में टिका रहता है। और ओपन हेयर के हेयर स्टाइल के लिए इसको इजीली यूज कर सकते हो, कोई हीटिंग टूल यूज करने की जरूरत नहीं आपको बालों में कर्ल ऐड करने के लिए। जस्ट इस हेयर एक्सटेंशन के साथ ही आप बालों में जो है वो कर्ल्स ऑटोमेटिकली, इसमें कर्ल डले हुए हैं, सो यू जस्ट हैव टू टक इन टू योर हेयर, तो आपका हेयर स्टाइल जो है वो रेडी हो जाएगा। नाउ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन या बहुत ज़्यादा स्कैंटी हैं, देन आई विल नॉट सजेस्ट दिस वन, क्योंकि इसका हल्का सा वेट है। और अगर आपके बालों में थोड़ा बहुत वॉल्यूम है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आप इसको एड ऑन कर सकते हो, ताकि आपके जो बाल हैं वो इसका वजन थोड़ा सा संभाल सके। सो बहुत ज़्यादा स्कैंटी बालों के लिए मैं ये वाला सजेस्ट नहीं करूँगी। सो फॉर दैट पर्पज आई हैव अ डिफरेंट हेयर एक्सटेंशन, जिसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट एंड प्लेन हेयर वाली हेयर एक्सटेंशन। सो इट्स बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा, प्लेन है, और इससे आपके बालों में लेंथ भी आएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगा, लेकिन ये उतनी वेट, इसका उतना ज़्यादा वेट नहीं है जितना कि कर्ली हेयर हेयर एक्सटेंशन का है। तो अगर बहुत ज़्यादा पतले या स्केंटी हेयर हैं, तो वहाँ पे आप ये वाला हेयर एक्सटेंशन चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट हेयर एक्सटेंशन है ये बैंग्स हेयर एक्सटेंशन। पतले बालों में सामने की तरफ अगर वॉल्यूम बहुत कम है, तो इंस्टेंट वॉल्यूम के लिए या लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप ये बैंग्स हेयर एक्सटेंशन अमेजोन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। मैंने काफ़ी थिक वॉल्यूम वाले हेयर एक्सटेंशन पिक करे अमेजोन से, इसमें काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। आप एकदम थिन, यू नो, पतले फ्रिंजेस वाले हेयर एक्सटेंशन, हेयर बैंग्स भी चेकआउट कर सकते हो अमेजोन के ऊपर। 149 rupees, 150, 199, इस तरह के प्राइस रेंज में आपको अलग अलग हेयर एक्सटेंशंस ये वाले बैंग्स वाले मिल जाएंगे, और इसको अलग तरीकों से स्टाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सामने की तरफ बैंग्स है तो एकदम सामने की तरफ ही रहेगा, आप इसको राइट या लेफ्ट किसी तरह भी पार्टीशन करके अपने बालों को स्टाइल कर सकते हो। तो सामने की तरफ अगर बालों में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो वहाँ पे इंस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप बैंग्स चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज द नेक्स्ट हेयर एक्सटेंशन ऑप्शन। एंड हेयर एक्सटेंशन के अलावा रिसेंटली मैंने दो हेयर एक्सेसरीज भी पिक करे थे अमेजोन से, सो आई थॉट वाई नॉट टू शो दैट एज वेल। सो मैंने ना ये गजरा पिक करा था, ये पेयर था दोनों, एक वाइट कलर का और एक ये रेड कलर का। अगेन वेडिंग गेस्ट में या घर के शादी फंक्शन में बालों को एक्सेसराइज करने के लिए एज अ बैकअप प्लान इस तरह के रेडी टू वेयर गजराज होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ्लावर, फ्रेश फ्लावर नहीं मिलते, देन यू कैन डेफिनेटली टक इन दीज इन योर हेयर एंड गेट वेडिंग फंक्शन रेडी। सो ये भी मैंने रिसेंटली अमेजोन से पिक करे हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये था मेरा आज का अमेजोन हॉल, जिसमें मैंने पतले बालों में इंस्टेंट वॉल्यूम के लिए बालों में हेयर एक्सटेंशन कैसे आप लगा सकते हैं वो भी बताया। हेयर एक्सटेंशन हॉल आज मैंने आपके साथ शेयर करा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।